दूसरी पारी खेलने के लिए जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू ने भरा पर्चा। भारी समर्थक रहे साथ, मेरे पास कोई पैसे वाला भी नहीं है, कोई खदान मालिक भी नहीं है और ना कोई पूंजीपति वाला है, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और अब खबर विस्तार से। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी महेंद्र छोटन उरांव के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व सोनाराम सिंकू ने जगन्नाथपुर बाजार का भ्रमण किया, उसके बाद पैदल लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद हजारों समर्थकों के साथ वे गाजे बाजे के साथ मौलानगर स्थित रसेल स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जो जी शेरदार नारेबाजी किया। जगन्नाथ सिंकू ने नामांकन जुलूस के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जुलूस में बड़ी संख्या में जगन्नाथपुर विधानसभा अंतर्गत जगन्नाथपुर, नोवामुंडी, गोवा, किरीबुरु, टोंटो, गोयलकेरा, मनोहरपुर, छोटा नागरा के पार्टी कार्यकर्ता नजर आए। नामांकन के बाद सोनाराम सिंकू वापस सभा स्थल पहुँच विधानसभा में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्हें भरोसा है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद एक बार फिर उन्हें मिलेगा। साथ ही कोड़ा दंपत्ति पर प्रहार करते हुए कहा कि जो 5 साल में पार्टी बदले, वैसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करके पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, वैसे लोगों को हम लोगों को जवाब देना चाहिए। कोड़ा दंपत्ति 20-25 साल से क्षेत्र का विधायक व सांसद बने रहने पर खदान खोलने की चिंता नहीं थी, कभी वन पट्टा दिलाने की नहीं सोची। जब सत्ता खत्म हुआ तो खदान और वन पट्टा याद आया। जब कोड़ा दंपत्ति का पावर खत्म हो गया तब बोलते हैं घंटा बजाओ सरकार जगाओ। हमारा गठबंधन ही सरकार जगा हुआ काम कर रहा है, यहाँ के माँ बहनों के लिए, बेरोजगार के लिए काम कर रहा है। श्री सिंकू ने ये भी कहा कि मेरे पास कोई पैसे वाला भी नहीं है, कोई खदान मालिक भी नहीं है, ना कोई पूंजीपति वाला है। ग्रामीणों से कहा हमको सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। वहीं रांची के मेयर रामा खालको ने कहा कि सोनाराम सिंकू बिकाऊ प्रत्याशी नहीं, जनता जान गई है, इस बार बड़ी जीत के साथ फिर से विधानसभा भेजना है। पश्चिमी सीएम भूमि जिला प्रभारी विजय खां ने कहा कि जनता सोनाराम सिंकू को विधायक बनाकर भेजे, पार्टी उन्हें मंत्री बनाकर आपके पास भेजेगी, ये वादा है। मौके पर खूंटी लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा, रांची के पूर्व मेयर रमा खलको, पश्चिम सीएम भूमि प्रभारी विजय खां, पूर्व जिलाध्यक्ष सनी सिंकू, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र हेमब्रम, युवा कांग्रेस जिला कोऑर्डिनेटर चंदन राय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष निसार हुसैन, विपिन सिंकू, इंटक जिला कार्यकारी अध्यक्ष सूरज मुखी, प्रखंड अध्यक्ष ललित दुराईब्रू, नोवामुंडी अध्यक्ष मंजीत प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसी को मेरा साथ में कोई पूंजीपति भी नहीं है, मेरा साथ में कोई खदान मालिक भी नहीं है, मेरा साथ में कोई पैसा वाला भी नहीं है। इन्हें वो समझाओ था ना, हमको आप लोग को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद भी ना किधर, हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के अंदर करा हुआ चिन्ह मिलता इंतार है, पूंजीपति हो बन गई है, खदान मालिक हो बन गई है, लेकिन हम आप सबके लिए हम हमेशा लड़ेंगे। हमारा अधिकार के लिए हम हमेशा आवाज बुलंद करके रखूंगा। हागांडो मिसी को मर निमी जगह कहता इन पाए थे हागांडो मिसी को अंडो मिसी के जो होते जो आए लड़ाई लगी हागांडो मिसी को अब एकजुटता हम सबको एकजुट होने का होकर लड़ाई लड़ना होगा। अंडो आय समय लेकर तो ना दो तीर धनुष तलवार का पीते तो लड़ाई बनवा अगांडो मिसी को आज का समय लड़ाई लड़ना है तो अपना अधिकार अपना वोट देकर लड़ाई लड़ना है। इना मिनते हगांडो मिसी को आने वाला समय अब ऑन जाई को सुरक्षित तैयार लगे जल और जंगल जल और जमीन जो है बचाने के लिए हम लोग को लड़ाई आगे लड़ना है। और इस चुनाव में जो बीजेपी से जो चुनाव के लिए जो मैदान में उतरने जा रहे हैं उसको सबक सिखाने के लिए आप सबको एकता होना होगा। चिनारी अलिमिंद ने चकर के बुए आज से है उसको हम लोग विधायक और सांसद बनाए थे क्या 20 से 25 साल ईयर इस जगन्नाथपुर में राज किया है, कभी खदान तो नहीं खुलवाया, कभी पट्टा तो नहीं दिलाया, कभी विकास तो नहीं किया। जब सत्ता खत्म हो गया तो पट्टा का याद आ गया, उसको खदान का याद आ गया।
लेकिन आदमी क्या कर रहा था जब पावर में थे तो आप उसको खदान खुलवाते या आदिवासी मूलवासी को पट्टा दिलाते या आदिवासी मूलवासी को रोजगार दिलाते। जब आप सत्ता में नहीं है, जब आपका पावर खत्म हो गया तो बोलता है घंटा बजाओ सरकार जगाओ। हमारा सरकार तो काम कर रहे हैं, हमारे सरकार ने तो काम कर रहे हैं मां बहनों के लिए, यहाँ का बेरोजगारों के लिए। आज जो हमारे सरकार गठबंधन सरकार महागठबंधन से हेमंत सोरेन जी ने जब से अपना सत्ता संभाले हैं तब से यहाँ गरीब आदिवासी मूलवासियों के लिए जो हर गांव हर पंचायत में ब्लॉक को भेजने का काम किया है ना, लेने तो चिमिन लापू नवे तल गिदा कभी ऐसा 17 साल में बीजेपी ने सरकार चलाया इस राज्य में कभी किया है ऐसा? कभी ऐसा नहीं काम किया है। यहाँ का गरीब को गरीबी रख के रख दिया। यहाँ का सीधा साधे बोले वाले आदिवासी को जेल भेजने का काम किया, नक्सली केस में तो माओवादी केस में झूठा आरोप लगाकर कितना को जेल भेज दिया, कितना को गोली मार दिया गया। ये काम है बीजेपी के सरकार का। सरकार को जवाब देने के लिए और जो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहा है जो पूंजीपति का जो व्यापारी बन के उन लोग को भी हम लोगों का देने का काम करेंगे। जब से उनकी सरकार बनी है, चाहे वो झारखंड में बनी थी चाहे वो केंद्र में बनी है, सब ठगने का काम किया है। और आज जल जंगल जमीन की बात को आज बचाने की बात हो रही है। हमारा जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, इनके बारे मैंने पहले भी कहा था, आज के आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं कि ऐसा विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुनने में आया है कि ये विधायक अपने पॉकेट में स्टाम्प लेके चलते हैं कि नहीं, और मोटरसाइकिल से ये गांव-गांव घूमते हैं। तो ऐसा विधायक आपको दोबारा आपको मिलेगा नहीं। इस झारखंड प्रदेश में हमने देखा है कि एक ऐसा विधायक है जो अपने इस गांव के पगडंडी में मोटरसाइकिल में घूमते हैं और साथ में अपने पॉकेट में जो स्टाम्प लेते हैं, किसी की परेशानी होती है तुरंत उसमें आवेदन लेकर के स्टाम्प मार के वो काम करने का काम करते हैं। ये एक मिसाल का काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो पिछले बार हम लोगों का चुनाव हुआ था और इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बहुत सारे साथी हमको पहचानते होंगे कि हम लोग गांव गांव प्रखंड प्रखंड जाकर के हम लोगों ने जिताने का काम किया था। आप लोग इसे पहचानते होंगे हम लोगों को, जितने भी 18 प्रखंड है सारे 18 प्रखंड में हम लोगों ने यहाँ पर 3 महीना कैंप करके हमने जिताने का काम किया था। लेकिन ऐसा विश्वासघाती हम लोगों ने देखा नहीं था। जो विश्वासघात कांग्रेस पार्टी के साथ किया उसका हर साज आप देख रहे हैं कि उसको लोग आज यहाँ पर 1.5 लाख से भी उसको हराने का लोग काम किया है। इसलिए साथियों आज पुनः जो विजय जी खान जी ने जो आपको कहा या इसके पहले कुछ प्रवक्ता ने कहा कि हमारा जो विधायक है इसको कोई खरीदने का किसी में ताकत नहीं था, यह सारा लोग जो किया, लेकिन आज हमारे जो विधायक है इनको कोई खरीदने का इनके